हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। आप लोग उत्साहित हैं? प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियो 2:4 निकालिए। देखिए आज का वचन आप के स्वभाव से संबंधित है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि उसका स्वभाव हमारे अंदर आए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को निभाएं। तो आज का वचन आपके स्वभाव को मजबूत करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग अपने बाइबल निकालें, फिलिपियों की पत्री 2:4। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, नहीं तो जिसके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन पर देखें। हालेलुया, बोलिए बेटा। 2:4, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। आमेन। आज का जो स्वभाव है, अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज्ञा है कि हमें अपने हित की चिंता नहीं करनी है, हमें दूसरों के हित की चिंता करनी है। और यह स्वभाव सिर्फ हमारा चर्च तक सीमित ना रहे। प्रेज द लॉर्ड, ये स्वभाव हमारा घर में भी हो। हम अगर पति पत्नी हैं तो हम अपनी पत्नी की भी उतनी चिंता करें जितनी हम अपनी चिंता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम कभी कभी अपनी पत्नी को एक ऐसे ले लेते हैं कि नहीं, उसका तो काम है, हम जो कहेंगे वो करेगी, हम जो मांगेंगे हमको मिलेगा, मिलेगा जरूरी है। लेकिन कभी कभी हमें उस पत्नी में एक इंसान को देखना चाहिए, उसकी भावनाओं को देखना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम अपने स्वार्थ में, अपने रिश्तों के स्वार्थ में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो हमारी पत्नी है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसकी भी अपनी इच्छा है, उसको भी दर्द होता है, उसका भी शरीर है। क्योंकि ये स्वभाव अगर हमारे अंदर नहीं आएगा मेरे भाई मेरी बहन, तो हम यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह को समझना है तो हमें अपने हित की नहीं दूसरों के हित को भी ध्यान से देखना है। और यही पत्नी में भी है कि पत्नियां भी अपने पति को समझें, उसके हित के लिए जानें, उसकी बात को समझें। हम अपने दोस्तों की बात को समझें, अपने पड़ोसी की बात को समझें, अपने पास्टर को समझें, हमें समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत जरूरी है कि हम उस हित को समझें जो परमेश्वर ने। देखिए, पति और पत्नी ही एक ऐसा संबंध नहीं है जो हमें आगे लेकर जाता है। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, और हर रिश्ते की आपको कदर कब होगी? जब आप अपने जैसा सुख उसको देंगे। प्रेज द लॉर्ड, जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं यार, कोई छोटा नहीं है, बाइबल में पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया छोटा है एक पहिया बड़ा है, ऐसा नहीं है, एक समान है, सारे अधिकार एक समान है। हां, पति पत्नी का सर है, और पति का सर कौन है? परमेश्वर यीशु। और यीशु का सर कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, ये जरूरी है। लेकिन हमें उस स्वभाव को लेकर चलना है जिस स्वभाव में हमें सिर्फ अपने हित की चिंता नहीं करनी है, हमें दूसरों के हित की भी चिंता करनी है। यहां दूसरा शब्द दिया गया है, हर एक अपनी ही हित की चिंता नहीं बट दूसरों के हित की चिंता। यानी कि दूसरा जो हमारा रिश्तेदार नहीं है, दूसरा जो हमारे एक लहू का नहीं है, दूसरा, देखिए बहुत
समझकर यह वचन लिखा गया है। दूसरों के हित की चिंता, कभी आप अपने बच्चों की चिंता तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन पड़ोसी के बच्चों की चिंता नहीं करते। मैं आपको सच बताऊं, आप उस स्पिरिट को, आप उस तरीके को जो परमेश्वर का है समझते नहीं है। कभी भी अगर आपके सामने किसी का भी बच्चा आया, हो सकता आप नहीं जानते, हो सकता वो बच्चा आपके लिए अनजान हो, और अगर वो बच्चा प्रॉब्लम में है, दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसकी पीड़ा को दूर करेंगे ना, वक्त आएगा जब आपका बच्चा आपसे दूर होगा और परमेश्वर किसी स्वर्ग दूत को भेजकर उसकी सेवा करवाएगा। आप नहीं जानते, जब हम परमेश्वर के स्वभाव को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करती है, परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। आप नहीं जानते हैं, इफिसियो अगर 3:8 पढ़ेंगे, हम 3:8 अगर पढ़ेंगे, इफिसियो 3:8 कि परमेश्वर हमें सेवा का प्रतिफल देता है। हेलो, पढ़िए बेटा, इफिसियन 3:8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। छठे से ले लो, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मीरास में साजी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हो। 7, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है कि वो प्रतिफल जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपकी सेवा पर निर्भर है। मसीह को पाना आसान है, मसीह के अनुसार जीना मुश्किल है, इसीलिए उसने अपनी आत्मा दी है आपको। संसार और शैतान जो है वो आपके अंदर से उस आत्मा को, उस स्वभाव को निकालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो स्वभाव आप में आए, नहीं चाहता है वो। परमेश्वर आपको अपना स्वभाव क्यों देना चाहता है, कभी आपने सुना, कभी आपने जानने की कोशिश की है? जब आप परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आता है ना, जब आप उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं ना, तो परमेश्वर की सारी आशीषें आपके सामने आएंगी। क्यों, क्यों परमेश्वर की सारी आशीषें आपके जीवन में काम करेंगी? क्योंकि तब आप उन आशीषों को देख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया है। हेलो, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आया है तभी तो आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं? जब तक आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को नहीं समझेंगे, वो प्रोमिसेस आपके अंदर कैसे काम करेगा, वो आपका आपका कैसे बनेगा? अगर आप परमेश्वर के वचन को अपना नहीं बनाएंगे, देखिए परमेश्वर के वचन में ताकत है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो उसका सामर्थ उस वचन में है, लेकिन जैसे ही आपके मुख से निकलता है आप उस वचन के अंडर आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे ही आपने उस वचन को अपने मुंह से निकाला, उस वचन का सामर्थ, उस वचन का अधिकार आपके अंदर आ गया। अब आपको, अगर आप उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो वचन काम नहीं करेगा। कौन काम करता है आपके जीवन में? परमेश्वर का वचन। किसके द्वारा सृष्टि की रचना की प्रभु ने?
वचन के द्वारा। यीशु मसीह कौन है? वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वचन के द्वारा। आपको दाऊद और गोलियत के बारे में पता है? आपको बहुत सुना होगा आपने कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। क्या वचन हमने आज का आधार लिया? कि अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करो। क्या दाऊद जब गोलियत के सामने था, ध्यान से सुनिएगा, क्या दाऊद उस सेना का अंश था? इजरायली सेना में था क्या दाऊद? क्या गोलियत ने दाऊद को ललकारा था? वो तो इजरायली सेना को ललकार रहा था ना, दाऊद को नहीं ललकार रहा था। दाऊद उसका अंश नहीं था, लेकिन दाऊद लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव था, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। दाऊद ने एक पल भी नहीं सोचा कि ये 8-9 फीट का आदमी, 15 फीट का आदमी मुझे मारेगा और मैं 5.5 फीट का आदमी हूं, मर जाऊंगा। कौन सी ताकत थी दाऊद के अंदर? परमेश्वर का प्रेम। दूसरों के हित की चिंता करो। कब आप करेंगे? जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा। इसीलिए कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:16 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। पढ़िए बेटा, ये विस्तार से पढ़िए। पहला यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। आमीन। कैसे जान गए हम? कौन सा प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है? कोई मुझे बताएगा? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं। क्या जाना है आपने? आपको पाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया। आपको आपको अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं? आप उसके चुने हुए हैं और चुने हुए भी ऐसे वैसे नहीं हैं। आप इस काबिल हैं, आपको उसने चुना है कि आपके लिए, आपको बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया। आप सोचिए कि आप उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। आपको उसने चुना है। क्या आप अपने आप को ऐसा देखते? नहीं देखते। अगर आप अपने आप को देखें रोज आईने के सामने, कभी देखा आपने कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं? सुबह से शाम तक 10 बार आप आईना देखते हैं, देखते हैं ये है बाल, इधर बाल तो नहीं निकला, इधर बाल तो नहीं निकला, आज का डिजाइन कैसा है, आज का लोगों को क्या अच्छा लगता है, सब देखते हैं। कभी आपने देखा है कि मैं चुना हुआ हूं? कभी आपने महसूस करने की कोशिश की है कि मुझ में ऐसा क्या है कि मेरी वजह से यीशु मसीह मरा? कभी आपने परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखा है? इसलिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर काम नहीं कर रहा है। इसलिए आप उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप ठोकर खा रहे हैं। इसलिए आप संसार में घूम रहे हैं। अभी आप, आपके लिए नौकरी ज्यादा जरूरी है, धंधा जरूरी है आपके लिए, परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर की सेवा जरूरी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं 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 यार, ये धंधा 3 दिन काम नहीं करेंगे धंधा चला जाएगा यार, नौकरी चली जाएगी यार। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि 3 दिन में मुझे परमेश्वर के मैं करीब आ जाऊंगा? आमीन। मैं परमेश्वर को और जानने लगूंगा, मैं परमेश्वर को महसूस करने लगूंगा, मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा। आमीन।
आप समझ रहे हैं 3 दिन में मेरा कितना नुकसान होगा? आप ये नहीं जान रहे कि 3 दिन में आप एक नए इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आपको कीमत का नहीं पता है, क्योंकि आपने इस तरीके से अपने आप को देखा ही नहीं कि यीशु मसीह आपके लिए क्यों मरा। आप अपने बच्चे को क्यों रोटी देते हैं? आप अपने बच्चे के लिए क्यों भूखा रहते हैं? रहते ना, खुद नहीं खाते बच्चे खा ले, चले यार दूध बचा है। माँ बाप का त्याग बच्चे नहीं समझते। मैं जब नया नया बॉम्बे आया था, मैं डीएन नगर में एक घर में पेइंग गेस्ट रहता था। मुझे आज भी याद है, और जब भी मैं इस चीज़ को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। जिस घर में रहता था वो आदमी, उसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो मोड़ कर यहाँ पर बूट पहनता था और वीटी जाता था काम के लिए, और उनके 2-3 बच्चे थे। बहुत खुददार परिवार था। और मैं सुबह, क्योंकि बॉलीवुड के लिए मैं आया था स्ट्रगल के लिए, तो मैं सुबह दूध मंगवाता था। उस समय दूध बोतलों में आता था, शीशे की बोतल में, कांच की बोतल में दूध आता था, 0.5 लीटर दूध। और उनका ये था कि सुबह मुझे नाश्ते के संग दूध देती थी उनको पैसा, ऐसा मैंने फिक्स किया हुआ था। मुझे याद है मेरे दूध की बोतल आती थी और वो बच्चे पर्दे के पीछे से देखते थे। मुझे एहसास नहीं आता था कि क्यों देखते हैं रोज। एक दिन मैंने देखा कि उस औरत ने मेरे लिए दूध उबाला और उस कांच की बोतल में जो दूध लगा रहता है ना, कांच की बोतल में दूध रहता है ना, हल्का सा निकालेंगे तब भी दूध का एक हल्का सा वो रहता है। मैं बर्तन रखने के लिए अंदर गया तो वो उस दूध की बोतल में पानी डालकर अपने बच्चों को दे रही थी। ये होते हैं माँ बाप, ये होते हैं माँ, ये होता है प्यार। अरे उस परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया। हमें उसकी कीमत को समझना चाहिए, हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए कि क्या किया है। आप आज जो कलीसिया में बैठे हैं उसकी कीमत है। हर आदमी कलीसिया में नहीं बैठा है। हम अभी तक अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए चढ़ जाते हैं, धंधे के लिए आते हैं। कोई इसलिए चर्च नहीं आता कि यार मेरे पिता ने मुझे, मैं चुना है, मैं उसको जानू तो सही। और आपको अगर कहा जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि उत्तराधिकार आपको दिया गया है, आपको वसीयत दे दी गई है, पत्रस में लिखा हुआ, पहले पत्रस आप देखेंगे तो वसीयत दे दी गई है, तो आप देखेंगे वसीयत कहां, वसीयत आ गई, मैं पढ़ूं तो मेरा नाम कहां पर है, कितनी वसीयत है, कितनी जमीन है, कितने फ्लैट्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिसने अपनी वसीयत दे दी है वो आपसे कितना प्रेम करता है। जिसने अपने इकलौते पुत्र के लहू से आपको धोया है, आप कैसे शुद्ध हुए पता है? आप कैसे शुद्ध हुए आपको तो नहीं पता। आपने विश्वास किया उसके लहू पर। प्रेज द लॉर्ड। आप ने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, इधर अंश, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने लहू बहाया है, आपने सिर्फ यह विश्वास किया और परमेश्वर ने आपको अंदर से धोया। आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको धो रहा है, वो आपको शुद्ध कर रहा है, सब कचरा निकाल रहा है वो।
क्योंकि उसको आपको स्वर्ग लेकर जाना है, क्योंकि उस पिता ने, उस परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया है। आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे। आमीन। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जब आप जाएंगे स्वर्ग में तो अपना नाम देखेंगे। आमीन। क्यों दाऊद गोलियत के सामने आया? क्यों? आपको पता है शमूएल ने दाऊद का अभिषेक कर दिया था। सातों भाइयों में से सिर्फ दाऊद को चुना था, चुना हुआ था वो। जब ईशे ने, उसके पिता ने दाऊद को भेजा कि जाओ देख के आओ इज़राइलियों को, जो तुम्हारे भाई हैं युद्ध में हैं, सैनिकों में हैं, देख के आओ उनके कुशल क्षेम पूछ के आओ। क्या खाली बैठा था वो? वो भेड़े चरा रहा था। आमीन। वो भेड़े चरा रहा था। क्यों वो किसी के हित की सोच रहा था? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर का प्रेम क्या है। वो आज्ञा, देखिए हम सोचते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर जो बोलेगा हम उसकी आज्ञा मानेंगे, हम परमेश्वर की पूरी आज्ञा मानेंगे। अरे भाई, जो आपका पिता दिख रहा है पहले उसकी तो आज्ञा मान लीजिए आप, जो आपकी माँ दिख रही है पहले उसकी आज्ञा तो मान लीजिए, जो आपका पति दिख रहा है उसकी आज्ञा तो मान लीजिए, जो आपकी पत्नी दिख रही है उसको तो प्यार कर लीजिए। जब दाऊद के पिता ने, ईशे ने कहा कि जा ये खाना है ये लेके जा, रोटी लेके जा और कुशल क्षेम पूछ के आ, क्या उसने अपनी भेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए उसने किसी भाई से अनुरोध किया कि मैं जा रहा हूं अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए, तो प्लीज मेरी भेड़ों को चरा। उसके अंदर एहसास था क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। मेरे पिता ने मुझे कहा है, उसे पिता ने से ये नहीं कि आज नहीं जाऊंगा पापा, मैं आज थक गया हूं, मैं थक गया हूं पापा, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, और कल किस समय जाना मुझे बता दो आप, और क्या क्या मेरे लिए है जाने के लिए, मैं अभिषेक हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मेरे लिए घोड़ा रखो, दो दास रखो जो मुझे लेके जाएं, मैं चुना हुआ हूं, तेरे सारे बेटों को परमेश्वर ने चुना नहीं, मुझे चुना है, मैं चुना हुआ हूं, कहा उसने अपने हित की नहीं दूसरों के हित की सोचो। और ये आपके अंदर स्वभाव अगर नहीं आया है तो ले आइए, नहीं तो खतरा है। ये स्वभाव ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा, ये स्वभाव ही आपके अंदर दीनता लाएगा, ये स्वभाव ही आपके अंदर नम्रता लेकर आएगा, ये स्वभाव ही आपके अंदर से घमंड दूर करेगा। मैं कुछ नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब अपने चेलों के पैर धो रहे थे, तकरीबन 3 साल तक वो अपने चेलों के संग रहे थे और चेलों को शिक्षा दी थी उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 13:34 और उसके बाद लूका 22:24। प्रेज द लॉर्ड। अपने चेलों के पैर धोने के बाद, चेलों को शिक्षा देने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कहा था कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, यूहन्ना 13:34 कहा था,
कौन सी आज्ञा बेटा पढ़ो? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। कैसा रखा था यीशु मसीह ने प्रेम? अपना जीवन आपके लिए दे दिए। प्रेम ये नहीं कि मैं आपके घर जाऊं, आपको बुलाऊं, चाय पिलाऊं, बस प्रेम हो गया। कैसा प्रेम? जैसा मैंने तुमसे रखा है। देखिए परमे यीशु मसीह ने जब भी आपको शिक्षा दी है, आपको प्रमाण दिया है, आपको प्रमाण दिया है, ऐसा प्रेम जैसा मैंने तुमसे रखा था। क्यों कहा? क्यों कहा यीशु मसीह ने? 3 साल के बाद की सेविकाई के बाद यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि भाई आप मैं अब क्रूसीफाइड होऊंगा, तो ये रोटी तुम खाना, ये दाखरस तुम पीना, ये बोल चुका। उसके बाद कहता है कि एक नई आज्ञा। क्यों यीशु मसीह को अपने चेलों को नई आज्ञा देने की जरूरत पड़ गई? कभी सोचा है? क्योंकि चेलों के अंदर प्रेम नहीं था। चेलों के अंदर प्रेम नहीं था, वो आपस में प्रेम नहीं करते थे। वो कहते थे मैं बड़ा हूं, वो कहता था मैं बड़ा हूं। लूका 22:24 पढ़िए। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उनमें से कौन बड़ा? मैं कौन बड़ा हूं? जिस दिन आप में मैं आ गया ना, उस दिन आप किसी के बारे में हित की चिंता नहीं करेंगे। आप सामने वाले का हित भूल जाएंगे। मेरा हित क्या है? मैं बड़ा हूं, मुझे पहले यीशु मसीह ने बुलाया था, मैं बाइबल ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा वचन जानता हूं, मैं बड़ा हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं। जब आप अपने अंदर घमंड लेकर आएंगे, नीति वचन 6:17-18-19 में लिखा हुआ है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर नफरत करता है, बल्कि घृणा करता है। हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। मैं कुछ हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरा धंधा है। नहीं, डरिए, डरिए ये घमंड लाने से पहले, क्योंकि देने वाला वही है। अगर उसका हाथ हट गया तो सेकंड नहीं लगेगा सब कुछ तबाह होने में, सेकंड नहीं लगेगा। आपके अंदर कला है, उसने दी है। आपके पास पैसा है, वो दे रहा है। हम कुछ नहीं है। हमको सही रास्ते की बुद्धि कौन दे रहा है? 40 साल तक इसराइलीज एक ही जगह चक्कर काटते रहे, एक ही जगह चक्कर काटते रहे और 40 साल तक घूमते रहे, उनको रास्ता ही नहीं मिला, उनको रास्ता ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। आपको पता है जब परमेश्वर आपसे नाराज होता है तो क्या करता है? जब भी परमेश्वर आपसे नाराज होता है, ध्यान से समझिए, जब भी परमेश्वर आपसे नाराज होता है, वो आपके अंदर से अपने लिए प्रेम निकाल लेता है, अपनी बुद्धि को निकाल लेता है। रोटी पानी देगा आपको? इसराइलियों ने कुड़कुड़ाया, इसराइलियों ने बछड़ा बना लिया कि हम इसके सामने चलेंगे। क्या परमेश्वर ने मन्ना बंद किया? कुड़कुड़ाए, लेकिन क्या परमेश्वर ने मन्ना मन किया कि चलो ये मुझे नहीं मान रहे, मन्ना बंद कर दूंगा? उसने पत्थर से पानी पिलाया। 40 साल तक बादल के रूप में, ताकि मेरे बच्चों को छांव मिले, वो दिन भर
बादल के रूप में रहता था उनके ऊपर और रात में आग के खंभे के संग रहता था। वो उनकी अगुवाई कर रहा था जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या उसने रोटी बंद की? क्या उसने पानी बंद किया उनका? क्या उसने लाइट बंद करी? क्या बंद किया? अपना प्रेम निकाल लिया। इसलिए वो 40 साल तक एक ही जगह घूमते रहे। आज अगर आप अपने बिजनेस में कुछ काम कर पा रहे हैं तो ये परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा है, ये विश्वास करिए। जब भी वो आपसे नाराज होता है ना, सबसे पहले आप मना करेंगे उसके काम को। आपके अंदर कठोरता है, लेकिन नहीं नहीं वो अब चर्च का काम नहीं। आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपसे नाराज है। चर्च के काम के लिए आप पीछे हटेंगे। आप क्या समझते हैं चर्च का काम नहीं होगा? करने वाला कौन है? कोई कोई। आप ये मत समझिए किसी के ना होने से चर्च नहीं चलेगा, किसी के ना गाने से चर्च नहीं चलेगा। नहीं, ये सोचिए भी मत। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। वो परमेश्वर है। आत्मा को कौन ला रहा है? आशीष कौन दे रहा है? जीवन कौन दे रहा है? बुद्धि कौन दे रहा है? आमीन। वो दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, उसके प्रेम के अनुसार नहीं चलते हैं, वो अपने प्रेम को आपसे निकाल लेता है। और आप भटके हैं। आप 20 साल से चर्च आ रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं चर्च में क्या हो रहा है। 20 साल से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। रोज बाइबल पढ़ते हैं, समझ ही नहीं पा रहे। और ये 2 साल में आई बच्ची यार ये समझने लगी है। मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? 40 साल हो गए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाह रहा है। आप परमेश्वर को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम निकाल लिया आपके अंदर से, अपनी बुद्धि खींच ली उसने आपके अंदर से। यस, आप समझिए परमेश्वर को। इसलिए कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना करिए कि मैं कोई भी ऐसा शब्द भी ना बोलूं, ना ही मैं कोई ऐसा विचार अपने अंदर लाऊं जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। इसीलिए जो आपको शपथ दी जाती है 2 कुरिन्थियों 10:5 कि परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें हमारे अंदर आती हैं उनको मैं यीशु मसीह का गुलाम कर देता हूं। वचन को समझिए, परमेश्वर के विरुद्ध कौन सी बातें आएंगी? आप समझिए, कोई पाप आ रहा है, व्यभिचार की बातें आ रही है, मैं नहीं लूंगा। पाप आ रहा है, मैं नहीं लूंगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के दर्शन को साथ चलने के लिए अगर आपके अंदर नेगेटिव चीज आ रही है, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं, वो भी गलत भावना आपके अंदर आ रही है, उसको भी निकालना है। सो हम कल्पनाओं को याद करिए जो हम सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं, नहीं यार अभी चर्च यार मुझे बहुत यूज करने लगा यार, जब भी चर्च में जाओ चर्च कहता यार ये करो वो करो, अभी मुझे अपने आप को थोड़ा पीछे खींचना ही पड़ेगा। ये कल्पना है आपकी। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ओछी बात का, ओछी बात का, ओछी दी ग्रेट, ओछी बात का जो परमेश्वर के विरुद्ध है, पढ़िए बेटा, ओछी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। यही तो है, हमें खंडन करना। नो, अरे परमेश्वर मुझे यूज करना चाहता है, सृष्टि का रचयिता, और मैं सोच रहा हूं
मैं अपने अहम को लेकर आ रहा हूं कि मैं काम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। धन्यवाद दीजिए क्योंकि धरती पर परमेश्वर आदमी के द्वारा ही काम करता है, मनुष्य के द्वारा ही काम करता है। उसने दाऊद के द्वारा गोलियत को मारा, खुद भी मार सकता था ना। धरती पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से काम करता है, ईश्वरीय सामर्थ्य से काम नहीं करता है। जब 40 दिन यीशु मसीह उपवास में थे तो शैतान क्या देखने आया था, क्या देखने आया था? हाँ, कि कैसे काम करेगा ये? ये परमेश्वर का पुत्र है हिनोस। अभी अभी भविष्यवाणी हुई है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं अपने प्रिय पुत्र से। परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई है। कबूतर पवित्र आत्मा के उधर देखा, उसने शैतान ने देखा है, इसलिए वो अच्छा। पहला सवाल, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इस पत्थर को रोटी बना दे। वो देखना चाह रहा था ये कैसे काम कर रहा है, ये अभी धरती पर रहकर काम कैसे करेगा। ही वॉन्ट्स टू सी, ही वॉन्ट्स टू चेक। अगर यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बना देते तो वो समझ जाता कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से काम, ईश्वरीय सामर्थ्य से काम करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेविकाई में ईश्वरीय सामर्थ्य यूज नहीं किया, उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को यूज किया, नहीं यूज किया। और वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किसके पास है? हमें दिया है। हमारे पास तो है। क्या हम उसकी कीमत को जानते हैं? क्या उस सामर्थ्य के अनुसार हम चलते हैं? आमीन। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है, आप जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके संग चल रहे हैं। अगर धरती पर आज का मसीह यीशु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलना शुरू कर देगा ना, वो चलेगा और मुर्दे जिंदा होंगे। आप नहीं जानते आप में वो सामर्थ्य है। आप 5-10 हजार, 25 हजार में अटके हुए हैं अभी तक। पूरा पूरा रात आप ले रहे हैं 25-30 हजार, 40 हजार में अटके हुए हैं। अरे उस सामर्थ्य को अपने अंदर जीवित होने दीजिए, उस सामर्थ्य को काम करने दीजिए। आप जहां से निकलेंगे लोग आशीष पाएंगे, लोग आपके पीछे आएंगे पीछे। वो जो बॉस जिसके सामने आप महीने के बाद, सर मैंने आपके कंपनी में काम किया। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? सर ABCD। ओके, 2 घंटे तुमने उस दिन नहीं किया? नहीं नहीं सर, थोड़ी सी नींद आ गई थी, थोड़ा सा। फिर उसके बाद उस दिन भी तुमने काम नहीं? नहीं नहीं सर, मैं आगे से जागूंगा, मैं आगे से काम करूं। अरे किसके लिए? 25-30-40 हजार के लिए। परमेश्वर कहता बाइबल पढ़ने मन नहीं करा। बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप, वचन को नहीं जानेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप यहां पर हाथ रखिए, यहां पर हाथ रखिए, सब लोग हाथ रखिए यहां पर। मैं आपसे जो आप सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब अपने आप को दीजिएगा, मुझे मत दीजिए। क्या आप जितने ईमानदार अपने संसार के काम के लिए हैं, क्या आप उतने ही ईमानदार प्रभु के लिए हैं? जितने ईमानदार आप अपने धंधे के लिए हैं, अपनी नौकरी के लिए हैं, अपने घर के लिए हैं, क्या उतने ही ईमानदार आप प्रभु के लिए हैं? मुझे मत दीजिए जवाब, अपने आप को दीजिए, सच दीजिए, सच। वो देख रहा है आपके मन को, वो सुन रहा है। Praise the Lord।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नई आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। इसलिए वो कहता है, इसका तीसरा पढ़ लो बेटा, फिलिपियों 2:3, कि सारे मिथ्या अभिमान, फिलिपियों 2:3 पढ़िए, जल्दी पढ़िए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ, दीनता और नम्रता के साथ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, हम झूठी बड़ाई के लिए काम करते हैं। ये मनुष्य मेरी प्रशंसा करे, ये बॉस मेरी प्रशंसा करे, हम वो काम नहीं कर करते जो हम चाहते कि मेरा पिता मेरी प्रशंसा करे। आमीन। हमें क्या चाहना चाहिए? मेरा पिता मेरी प्रशंसा करे। आमीन। आपका बॉस अगर आज आपकी परीक्षा, आपकी प्रशंसा करेगा, तो कल वो आपको डांटेगा भी, डांटेगा कर नहीं डांटेगा? आमीन। आज आपको बढ़ाएगा, कल हट सबके सामने, और बोलेगा भी कि उस दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तुम इस काबिल भी नहीं हो। तो हम झूठी प्रशंसा के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं, जो कि लिमिटेड है, जो कि कुछ पलों के लिए है, लेकिन जो परमेश्वर का है। इसलिए वो कहता है कि झूठी विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अपने से बढ़कर समझो। क्यों कहा है अपने से बढ़कर समझो? ताकि आपके अंदर घमंड ना आए। हम एक दूसरे को अपने से अच्छा नहीं समझते, हम देखते हैं उसमें कमी क्या है, इसमें कमी क्या है, आप कमी ढूंढते हैं। आजकल तो मसीह भाई बहुत आगे निकल गए, पुराने से, पहली सदस्य से हो रहा है। पौलुस की भी लोगों ने कमियां देखी थी, आजकल पास्टर्स की कमी क्या? पास्टर कहाँ कमी है, पास्टर कहाँ गलत होता है, और पकड़ लिया, अब आने दो मंगलवार को, अब पूछेंगे, अब पूछेंगे, पास्टर ये बात तो आपने ऐसी की थी, ये क्यों नहीं किया आपने, उसके संग तो ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? नहीं है, दिमाग तो है। क्या लिखते हैं वचन? एक दूसरे को अच्छा समझो। कब आप समझेंगे? जब आप सामने वाले में अच्छाई ढूंढेंगे कि नहीं यार, इस बहन में बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोशिश तो करती है प्रार्थना की, कम से कम बाइबल तो साथ में लेकर रहती है, कम से कम वचन को समझती तो है, धन्यवाद। हम एक दूसरे में अच्छाई देखना शुरू करें, तब हम उसके हित की सोचेंगे, तब हम उसके हित की सोचेंगे। जो अगला वचन है कि अपने हित की नहीं, दूसरे के हित की सोचो। कब? जब आप एक दूसरे को अच्छा समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में प्रभु की योजनाएं कब काम करेंगी? जब आप अच्छा समझेंगे। इसी फिलिपियों का 4:6-7 निकालिए कि आपका ध्यान कहां कहां रहना चाहिए। फिलिपियों 4:6-7 पढ़िए बेटा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक सातवां तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। आठवां क्या बेटा? इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है। हाँ, जो जो बातें, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सत्य बात। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान हैं, जो जो सद्गुण हैं, प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। गलत बातों में ध्यान मत लगाओ, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसने ये कहा था, उसमें ये कहा था, अच्छाई ढूंढो। जब आप अच्छी बातों में अपना ध्यान लगाएंगे, जो जो बातें मनोहर हैं, जो जो बातें न्याय संगत है, जो जो बातें पवित्र हैं, उन बातों में अपना ध्यान लगाओ, तो क्या होगा? हम अपने अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य को पाएंगे।
हेलो, ध्यान दीजिए, जब आप दूसरों की अच्छाई देखना शुरू करेंगे ना, तब आपको अपनी कमी महसूस होगी। जब तक आप ध्यान से समझ लो इस चीज को, जब तक आप दूसरों में कमियां देखेंगे ना, आपको अपना रहे मैं अच्छा, मैं इससे अच्छा गाती हूं, मैं ज्यादा अच्छे पढ़ती हूं, पास्टर क्या बोलेंगे, मैं अच्छा बोलती हूं। है, जब तक आप दूसरों में कमियां देखने की कोशिश करेंगे, आप अपने अंदर की कमी नहीं देख पाएंगे। जिस दिन आप दूसरों की अच्छाइयां देखना शुरू करेंगे, उस दिन आप अपनी कमियों को महसूस कर पाएंगे, और उस दिन परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर होगा कि आप अपनी कमियों को निकाल सकें। इतनी अच्छाइयां अपने अंदर भर लो, सिर्फ पवित्र आत्मा की अच्छाई। इसलिए वो लिखा वाला कुलुसियों 3:2 में कि स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ। कौन सी स्वर्गीय चीजें हैं? यही है। स्वर्ग में आप क्या देखेंगे? स्वर्ग में हम जाएंगे तो क्या देखेंगे? अच्छी अच्छी चीजें, मनोहर, जो बातें मनोहर हैं वो कहां दिखेंगी? स्वर्ग में। आमीन। आदरणीय है, लिखा हुआ ना 4:8 में, जो बातें आदरणीय है वहां सब आदरणीय होगा। हाँ, परमेश्वर, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, लोग, प्रेज द लॉर्ड। जो बातें अच्छी हैं उन पर अपना मन लगाओ, उनको कॉन्सेंट्रेट करो, तो आप अपने अंदर मजबूत करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे। अगर दूसरों की कमियों को आप लाएंगे तो आप अपनी कमियों को नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। ये तरीका है, इसलिए वो कहता है अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की सोचो, ताकि तुम अपने अंदर मजबूत हो सको। परमेश्वर का मकसद एक ही है कि वो आपको मजबूत करे, वो आपको पवित्रता के साथ, आप इस काबिल बन जाएं कि आप उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का उपयोग कर सकें। आपके अंदर जो गंदगी है, आपके अंदर जो कमियां हैं, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उपयोग ही नहीं करने दे रही हैं। आपका स्वभाव अगर शैतान का स्वभाव है तो आप कैसे यूज करेंगे पवित्र आत्मा का? हेलो, आपके अंदर घृणा है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर व्यभिचार है, आपके अंदर झूठ है, आपके अंदर धोखा है, तो कैसे यूज करेंगे आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को? यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे हमें निकालना है? कैसे हमें निकालना है? एक बहुत आसान तरीका है, जिस चीज को आप अपनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, उसको भोजन देना शुरू करिए, और जिसको आप निकालना चाहते हैं उसको भोजन देना बंद करिए। समझ गए? समझे कि नहीं? जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं उसको भोजन देना शुरू करिए। आप अच्छी चीजों को भोजन दीजिए, अच्छी बातों को भोजन दीजिए, अपने अच्छे स्वभाव को भोजन दीजिए, लेकिन जो स्वभाव आपके अंदर गलत चीज लेकर आ रहा है उसको भोजन देना बंद करिए, उसको भूखा मारिए, वो निकल जाएगा। जब आप अपने गलत स्वभाव को भूखा मारेंगे तो मर जाएगा। हेलो, आपका स्वभाव मर जाएगा। आमीन। और जब आप अपने स्वभाव को भोजन देंगे, आप क्या कर रहे हैं? हम अपने गलत स्वभाव को भोजन देते हैं, ग्रुपिज्म बन जाता है। अरे वो क्या कह रही थी, अरे ये क्या कह रहा था, अच्छा उसने ऐसा कहा, अच्छा उसकी बेटी ने ये किया, अच्छा उसने ये किया। आप अपने स्वभाव को भोजन दे रहे हैं, आप गलत चीजों को भोजन दे रहे हैं, आप झूठ को भोजन दे रहे हैं, तो झूठ आपके साथ रहेगा ना, क्योंकि आप भोजन दे रहे हैं। आपको झूठ नहीं चाहिए, उसको भोजन देना बंद करिए। जहां भी झूठ आप सुने, नहीं भैया प्लीज, एक अंकल ने बहुत अच्छी बात बताई थी, पीजी अंकल ने, कि कोई भी आते हैं और किसी के बारे में गलत बोलना शुरू करते हैं, कहते मैंने अपने घर में लगा रखा है
जो यहां पर नहीं है उसके बारे में कोई गलत शब्द हम उपयोग नहीं करेंगे। जो यहां नहीं है उसके बारे में हम कोई गंदी बात नहीं कहेंगे। क्यों हम अपने मुंह से भोजन देना बंद करिए उस गलत चीज को, अपने आप आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। अपने आप को मजबूत करिए, हमें अपने आप को रोज मजबूत करना है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब परमेश्वर की यह शिक्षा आपके जीवन में आएगी, आप अद्भुत आशीष पाएंगे, अद्भुत सुख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया, अच्छा लगा? Yes. पक्का? Yes. Amen. तो आज से हमें अपने हित की नहीं दूसरों के हित की भी चिंता करनी है। और वो दूसरा हमारा पड़ोसी भी हो सकता है। हमारी पत्नी तो है ही, हमारा पति तो है ही, हमारे बच्चे तो हैं। हालेलुया! जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमेन।